पंजाब रॉयल्स लगातार तीसरी बार फाइनल्स में अपनी जगह बनाई है, क्या कहेंगे आज के परफॉर्मेंस के बारे में, पांच चार पूरे अगर परफॉर्मेंस की बात करें? थैंक यू। बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही टफ मैच था और टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यही पांच चार का ही मेरा जो अनुमान था पांच चार का ही है, किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन हम पिछले मैच से जीत के हमारे टीम में पूरा कॉन्फिडेंस था और उस कॉन्फिडेंस का फायदा प्लेयरों ने उठाया और आज जीत दर्ज की। कौन से चार प्लेयर्स थे जो आपने जो आप बोल रहे हैं कि आपने पहले सोचा था कि पांच चार ही रहेगा, कौन से चार प्लेयर्स? देखो, जो पिछला स्कोर था 4-3 का था और उसमें दोनों वेट कल नहीं खेले थे तो दोनों एक एक टीम का मैंने लगाया था और ऐसा ही आज हुआ है। दो बाउट कल तो पड़े कांटे की टक्कर हुए थे, आज भी हुए, आप जानते हैं अनीता वाली और दूसरी वो मिमी वाली, तो आप आज के लिए क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजी? नहीं, दोनों टफ मैच थे और कल भी टफ थे और आज भी टफ थे, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारे प्लेयरों ने ज़्यादा दिखाया और जीत दर्ज की। हाँ, ये भी एक अच्छा वो है, जैसे हम कल रेस्ट करेंगे और कल जो दूसरा सेमीफाइनल होगा तो उनके लिए परसों थोड़ा थकावट रहेगी, थोड़ा टफ रहेगा और हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। नवजोत और सरिता का जो मैच था उसमें नवजोत इंजर्ड हो गई और सॉरी, तो क्या आपको लगता है वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, कहीं कहीं अगर वो इंजर्ड नहीं होती तो मैच कुछ काफी परिणाम कुछ और होता? टर्निंग पॉइंट जैसे 4-0 से पिछड़ने के बाद भी अनीता ने जो 2+2 का स्कोर किया वो मैच का टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद इतना टाइम मैच में बचा नहीं था और लगभग मूव उसके भी जैसे स्लो डाउन हो गए थे और अनीता ने पूरा कंट्रोल किया मैच को। अनीता जी, मेरा क्वेश्चन आपके लिए, आफ्टर बहुत सालों के बाद आप रिंग में वापस आ रहे हो, मैट पे वापस आ रहे हो, आपने किस तरह से प्रिपेयर किया और आपका आगे का गोल क्या है? ये सब मेरे हस्बैंड की और फैमिली की है, स्पोर्टिंग अच्छी और मेरा ओलंपिक का है कि मैं एक बार ट्राई करूँ, अच्छा करूँ ओलंपिक में। भजन बधाई हो आपको, सबसे पहले पंजाब रॉयल्स, आप जिस तरीके से पूरी टीम खेल रही है आपके अंडर में, अब नेक्स्ट बाउट एक दिन के बाद है, हरियाणा हैमर से भी हो सकता है, दिल्ली सुल्तान, फेवरेट टीम कौन रहेगी, किसके साथ मुकाबला करने? आप पहले भी कह चुके हैं कि सब कुछ 6 मिनट में डिसाइड होता है, लेकिन फिर भी एक मन में मेंटल थोड़ी सी वो होती है कि मेंटली कौन सी टीम के साथ आप फाइनल अपना खेलना चाहते हैं? देखिए, कल सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल और जो टीम बेस्ट करेगी वो फाइनल में आएगी है। मेरे डिसाइड करने से नहीं होता कि भाई मैं हरियाणा के साथ खेलूँ या मैं दिल्ली के साथ खेलूँ, जो कल बेस्ट करेगा वो फाइनल में आएगा और कोई भी आए हम तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि मैट पे लड़ना चाहे वो कोई भी रेसलर हो तो हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दिल्ली का रेसलर है या हरियाणा का है। तो हमने हमेशा 65 किलोग्राम में लड़ते हुए देखा है। हाँ जी, तो वजन कम करके आया, कितना आप पर दबाव था जब ये मुकाबला शुरू हुआ? नहीं, दबाव तो कुछ नहीं था, क्योंकि पहले भी मैंने उसको 2-3 बार हरा रखा है और हमारे कोच सर कुलदीप सर ने पहले बोला था कि तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, तो हमें खुल के लड़ना और मैं खुल के लड़ा। पंजाब रॉयल्स के खिलाड़ी नहीं, ये शेर है और शेर शिकार पे निकले हैं। हाँ, ये शिकार करके पीछे हटेंगे, ट्रॉफी उठा के दम लेंगे। कांग्रेचुलेशंस पंजाब रॉयल्स, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल।